नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऐलान किया है कि वे इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मौजूदा सीजन से ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं जो इस समय कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई लड़ रहा है। अश्विन ने आईपीएल 2021 में आखिरी मैच रविवार की रात को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेला और इसके बाद ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ब्रेक लेने की घोषणा की। आर अश्विन ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं कल से आईपीएल के इस सीजन से ब्रेक ले रहा हूं। मेरा परिवार कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहा है और मैं इस मुश्किल समय में उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूं। अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो मैं फिर से वापसी करूंगा। शुक्रिया दिल्ली कैपिटल्स। इस ट्वीट को लेकर दिल्ली कैपिटल्स ने भी एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें फ्रेंचाइजी ने कहा है कि इस कठिन समय में हम आपको पूरा समर्थन करते हैं। आर अश्विन, दिल्ली कैपिटल्स आप और आपके परिवार को सारी ताकत और प्रार्थनाएं भेज रही है। हालांकि आर अश्विन ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उनके परिवार का कौन सा सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित है, लेकिन इस बात को माना जा सकता है कि अश्विन के परिवार का कोई अहम सदस्य कोरोना के खिलाफ इस समय लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि की ही गई है कि अगर चीज़ें सही दिशा में जाती हैं तो फिर आर अश्विन आईपीएल में लौट सकते हैं। हालांकि अब इस बात की उम्मीद कम ही है, क्योंकि आईपीएल 2021 के बायो बबल में शामिल होने के लिए आपको कम से कम 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होगा। यही कारण है कि शायद ही अब अश्विन दिल्ली के लिए खेलते नजर आएं। बता दें, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच रविवार को मैच चेन्नई के एमएच चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जो सुपर ओवर तक पहुंचा था। सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ जीत दर्ज की। अश्विन ने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ अपने कोटे के 4 ओवर के दौरान 27 रन खर्चे। अश्विन का जाना दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।